Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया। बुधवार को दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे, वहीं मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। अब बुधवार को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली है। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई लोग जो हैं उन्हें नमन कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने बुधवार सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। अस्पताल के डॉक्टर पाकर ने जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की पुष्टि की है। दिलीप कुमार को पिछले एक महीने में दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो द्वारा बयान में कहा गया था कि दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है, वह अभी भी अस्पताल में ही है, आप उन्हें अपनी दुआओं में रखें। लेकिन इस हेल्थ अपडेट के 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। यूसुफ खान ने अपनी पढ़ाई नासिक में की थी। राज कपूर उनके बचपन में ही दोस्त बन गए थे, मानो वहीं से दिलीप कुमार का सफर बॉलीवुड में शुरू हो गया था। करीब 22 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार को पहली फिल्म मिल गई थी। 1944 में उन्होंने फिल्म ज्वार भाटा में काम किया था, लेकिन उनकी इस फिल्म की अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी। दिलीप कुमार ने करीब 5 दशक के करियर में 60 के करीब फिल्में की थी। फिर दिलीप कुमार ने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था, क्योंकि दिलीप कुमार का मानना था कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। लेकिन दिलीप कुमार को मलाल भी रहा था कि वो प्यास दीवार में काम नहीं कर पाए थे। दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा बानो से शादी की थी, जो खुद भी एक अभिनेत्री थी। जब दोनों की शादी हुई तब सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने आशमा साहिबा से भी शादी की थी। हालांकि ये शादी सिर्फ 1983 तक चली थी, लेकिन सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार का अंतिम सांस तक बना रहा। सायरा बानो लगातार अस्पताल से दिलीप कुमार के चाहने वालों की उनकी हेल्थ का अपडेट करती रहीं। ज्वाराभाटा से शुरुआत करने वाले दिलीप कुमार की यादगार फिल्मों में शहीद, मेला, नदिया के पार, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगल ए आजम, गंगा, जमुना, राम और श्याम, कर्मा रही दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला थी, जो कि 1998 में आई थी। पूरे न्यूज लाइव टीम की तरफ से दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित। न्यूज रूम से न्यूज लाइव के Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.